हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका सिविल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मांग की कीमत लोड की। तो चलिए डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की जो कीमत लोच होती है उसका मतलब क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक दैट डिमांड to another economic variable like that price. A variable like that demand for a particular good is elastic with respect to another variable like the price of the good. If demand is very responsive to changes in price, in contrast, demand is inelastic with respect to price if demand responds very little or not at all to changes in price. अब मतलब क्या है इस चीज का कि जब price fluctuate होती है तो consumer response करेगा, ठीक है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स करेगा। यदि कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, और जहां पर कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और इन्हीं दो डिग्रीज के बीच क्या करती है, इलास्टिसिटी क्या करती है, मूव करती है। यदि कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है तो पॉजिटिव होती है इलास्टिसिटी, और कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की जो लोच होती है, मांग की जो कीमत लोच होती है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जब हम ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी डिमांड फंक्शन में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओरिजेंटल एक्सेस पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक हमारा ये क्या होता है, लीनियर डिमांड फंक्शन होता है। और यहाँ पे एक हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है, जहां पर क्या है, क्वांटिटी Q1 है और प्राइस क्या है, Q1 है। ये A है, हमारे पास क्या इनिशियल कंडीशन है। अब क्या होता है कि जो प्राइस होती है, मार्केट प्राइस, वो क्या होती है, अपवर्ड ट्रेंड करती है, मीनिंग दैट प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होगी, P1 से हो जाएगी P2। जब प्राइस जो है P1 से P2 हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी जो है फॉल हो जाएगी। तो Q1 से कहां आ जाएंगे हम, Q2 पर आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास हम क्या करेंगे, जो डिमांड कर्व है उस डिमांड कर्व पर हम क्या कर देंगे, अपवर्ड जो है मूव कर जाएंगे, A2 हम क्या कर जाएंगे, B की तरफ मूव कर जाएंगे। अब यहां पर है कि जब हम पॉइंट ए पर या पॉइंट पर्टिकुलर बी पॉइंट पर, या तो पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लो या फिर पर्टिकुलर पॉइंट बी ले लो, इन दोनों ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या करोगे, इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड यूज में आएंगे। पहला मेथड हमारे पास प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, दूसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। या तो पॉइंट ए पर या पॉइंट क्या होगा, बी होगा, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पर आप क्या करेंगे, हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे, तो उसके लिए दो मेथड यूज में आएंगे, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। और बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों के बीच हमको क्या करना होगा, इलास्टिसिटी को मेजर करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज में लाना होगा, ठीक है। एक तो केवल और केवल पॉइंट ए पर या फिर केवल और केवल पॉइंट बी पर, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, और सेकंड ज्योमेट्रिक मेथड यूज में लेते हैं। और ये वाला जो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड को यूज में लेते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स पर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो इसका लिंक, इस लेक्चर का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो हियर अगेन दिस क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय अगेन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और यहाँ पर जो क्यू आया ना, वो क्यू क्या है और पी क्या है, ठीक है। क्यू और पी जो है यहाँ पे इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है। क्यू तो है इनिशियल क्वांटिटी, अपनी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है, और प्राइस भी क्या है, इनिशियल प्राइस है। और जो क्यू डेल्टा क्यू है, बेसिकली वो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू होगा Q2 माइनस क्यू, जो चेंज वैल्यू हो गई है, मीनिंग दैट चेंज जो हो गई है क्वांटिटी, उसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इनिशियल वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा क्यू, और ऐसे ही हमारे पास डेल्टा पी भी आ जाएगा। डेल्टा पी इक्वल्स टू होगा हमारे पास P2 माइनस पी, क्योंकि P2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चेंज्ड वैल्यू, प्राइस इंक्रीज हो गई थी ना उस कंडीशन में, तो जो चेंज्ड वैल्यू है उसमें से आप इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास ये समथिंग कुछ फैक्टर आ जाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी
मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमारे पास इलास्टिसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसको हम प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। सो हियर हमारे पास क्या हुआ, तो आगे थोड़ा देखिए आप यहाँ पे, फॉर आवर सिंपलिसिटी वी राइट द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इन स्केलर फॉर्म लाइक दैट दिस समथिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी को है ना हमेशा इस टर्म में लिखते हैं, स्केलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस टर्म में लिखते हैं। ये जो है ना ये वाला, ये इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में स्केलर कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव फॉर्मेट में आएगी, हमें प्लस माइनस से यहाँ पे क्या है, हमें प्लस माइनस पे हमें फोकस नहीं करना है, केवल हमें वैल्यू से मतलब है। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो वी फोकस ओनली इन मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी इलास्टिसिटी होती है ना उसको हम हमेशा स्केलर में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस समथिंग इज इक्वल टू वन। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इलास्टिसिटी जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो कैसे नेगेटिव होती है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो थोड़ा इस पर आप फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, बेसिकली ये स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है। तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब भी हम इलास्टिसिटी को क्या करेंगे, इलास्टिसिटी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इलास्टिसिटी हमारे पास किसमें आएगी, इलास्टिसिटी हमारी हमेशा किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगी। अभी नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी क्या है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, और स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप होती है और नेगेटिव स्लोप होती है। तो पहला रीजन तो मिल गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरा कि अब हम क्या करेंगे कि ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव होने का रीजन क्या है, बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो हमें बताती है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए जो है यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव में आएगी और इलास्टिसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो हम क्या करते हैं कि हमें वैल्यू से मतलब होता है कि हमको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, हमें केवल इतना फोकस करना है कि प्राइस के फ्लक्चुएट करने पर कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स करना है। तो वो जो अमाउंट है उस अमाउंट पर ही हम फोकस करते हैं। इसलिए हम इलास्टिसिटी को किसमें करते हैं, स्केलर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है कि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फॉर आवर सिंपलिसिटी वी राइट द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इन स्केलर फॉर्म लाइक दैट दिस समथिंग। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो वी फोकस ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, इफ हियर द परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, इफ हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मीनिंग दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर तो हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू वन है, और नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि उसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच क्या है, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कभी कभी हमें क्या करना होगा कि रिलेशनशिप पर भी या फिर डायरेक्शन पर भी हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और कुछ कुछ जगह हम डायरेक्शन पर फोकस नहीं करते हैं, हमें केवल वैल्यू से मतलब होता है कि कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस जगह हम क्या करेंगे, इसको यूज में करेंगे। ठीक है, सेकेंड, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन माइनस वन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक में डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं और एक में हम किस में कर रहे हैं, वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इफ थर्ड वाला देखते हैं कि इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, और लेस देन यूनिट इलास्टिक, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन माइनस वन। तो हमारे पास तीन बेसिकली डिग्रीज होती है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। सो मैं बिलीव करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम इसको भी हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, देखिए ये आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल कंडीशन ये है जहां पर हम क्वांटिटी को Q1 की डिमांड कर रहे हैं और प्राइस P1 डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी कमोडिटी को लेकर हो सकती है, X, Y, Z, आप जो भी लेना चाहो। ठीक है, अब पर्टिकुलर A पॉइंट पर, बेसिकली A पॉइंट पर जब हम निकालेंगे, A पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि कोई भी लीनियर डिमांड फंक्शन है उसके किसी भी पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि A पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी,
तो बेसिकली ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर हमें निकालने के लिए क्या होगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट देखो क्या है, ये वाला आपको जो नजर आ रहा होगा ये लोअर सेगमेंट ए का ए पॉइंट है, ए पॉइंट के नीचे का जो पार्ट है एसी, एसी तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे लोअर सेगमेंट हो गया, और ए के ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे पास बेसिकली ए बी, वो हमारे पास क्या हो गया अपर सेगमेंट हो गया। तो इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या हो गया एसी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो दोनों क्या है देखो, अगर दोनों को हम ज्योमेट्रिकली या फिर स्केल के यूज से अगर दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम मेजर करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। ए बी यहाँ पे क्या है बेसिकली ए बी जो है, ए बी जो है वो इक्वल है एसी के। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ एट, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगी वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली यूनिट इलास्टिक आ जाएगा, ठीक है यूनिट इलास्टिक आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि दोनों की क्या है सेम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी अलोंग ए लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, एट ए पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारे पास होती है लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट है एसी डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, तो अपर ए के ऊपर वाला सेगमेंट क्या होगा ए बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है एसी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इसका लोअर सेगमेंट देखो, बी पॉइंट के नीचे का लोअर सेगमेंट क्या है बी सी, बी सी अगेन डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, सॉरी इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी पर, तो इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट नहीं है सी के नीचे का कोई भी सेगमेंट जीरो डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट है बी सी के जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट बी, एट सॉरी डी पॉइंट, डी पॉइंट पर क्या होगी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, तो इसके नीचे वाला जो लोअर सेगमेंट है ये वाला इसका पूरा लोअर सेगमेंट होगा इसका, ठीक है। तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा डीसी डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट बीडी, ठीक है। सो हियर हमें देखा कि डीसी जो है वो ग्रेटर देन है बीडी से, सो हियर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक है। अब एट पॉइंट, अब लास्ट हमारे पास बचा है एट पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी एट पॉइंट एट ई पॉइंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर देखेंगे यहां पर तो इसका लोअर सेगमेंट हो जाएगा ई सी एंड अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास दिस समथिंग बी एंड ई, तो डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट बी ई, ठीक है। हियर क्या है बेसिकली जो ई सी है, ई सी है वो लेस देन है बी ई से, बी ई से, सो हियर लेस देन वन हो जाएगी, इलास्टिसिटी इज इक्वल इज लेस देन वन। तो हमारे पास ये डिग्रीज होती है फाइव डिग्रीज, कि जहां पर हमारे पास कहीं तो कहीं किसी लीनियर डिमांड, कोई भी लीनियर डिमांड फंक्शन है वहां पर किसी पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है वहां पर यूनिट है, कहीं पर जीरो है तो कहीं पर इनफाइनाइट है, तो कहीं पर ग्रेटर देन वन है तो लेस देन वन है। ध्यान देने की बात यह है, वापस कह दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमने किस पे फोकस किया है, केवल मेजरमेंट पर फोकस किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन में फोकस नहीं किया गया है। तो हमको पता है कि इलास्टिसिटी जो है वो हम इसको कहीं हमको हम उसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक डेट देखिए आप इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन, और हम इसको यहाँ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू माइनस वन। इसमें हमने क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर फोकस ये था रिस्पॉन्सिवनेस जानने का, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वन लेने का मतलब है कि हमको डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू भी पता करनी है, हमको वैल्यू वैल्यू क्या है वन है, मीनिंग दैट कि रिस्पॉन्सिवनेस वन है, और डायरेक्शन यहाँ पे ये है कि हमें डायरेक्शन पता करना है कि कैसा है माइनस है बेसिकली, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेसिकली ये है हमारे पास इलास्टिसिटी अलोंग ए लीनियर डिमांड कर्व। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वापस वही ग्राफ है जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इनिशियल कंडीशन सी है जहां पर प्राइस पी वन है और क्वांटिटी क्या है, ये इनिशियल कंडीशन क्या है यहाँ पे सी, जहां पर प्राइस पी वन है और क्वांटिटी क्यू वन है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, होगा ये कि यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज कर जाती है पी वन से पी टू हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहां पर आ जाएंगे, क्यू टू पर आ जाएंगे, डी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर क्वांटिटी क्यू टू है और प्राइस जो है हमारे पास क्या है पी टू है। तो इस कंडीशन पर क्या है कि सी और डी, आपको जो रेड लाइन दिखाई दे रही है सी डी, इस सी डी यानी रेड लाइन के बीच में इलास्टिसिटी क्या होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं यूज में करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड के लिए। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू, अगर हम प्रोपोर्शनेट मेथड की बात करें
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होती क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाई क्यू। ये तो जो ये हम बेसिकली इसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, कि कोई भी डिमांड कर्व है, कोई भी लीनियर डिमांड फंक्शन है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज में करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। बट यहां पर हमें देखना है कि अब प्राइस फ्लक्चुएट कर गई है, तो हमारे पास एक क्या है, एक दो पॉइंट्स आ गए, उन दो पॉइंट्स के बीच इलास्टिसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हम आर्क इलास्टिसिटी को यूज में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है उनका एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बाई दिस। अब हम क्या करेंगे, पी डिवाइडेड बाई क्यू नहीं करेंगे, पी वन और पी टू का एवरेज कर लेंगे। तो पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाई टू, अगेन क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया है, ठीक है। अगेन दिस ईयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी मेथड को ये है, जिसमें हम टू पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बिलीव करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर हम ये लिखते हैं कि या तो क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइस के फ्लक्चुएट करने पर या तो कंज्यूमर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, या कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। अगर कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, मीनिंग दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेसिकली क्या हो सकती है, जीरो होगी। अगर कंज्यूमर किसी भी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होगी। और कंज्यूमर क्या करेगा, एक तरफ तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या फिर एक तरफ हमारे पास क्या करता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है। जिस कंडीशन में कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है, तो कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स करेगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये टेंड्स करेगा इनफाइनाइट की ओर। तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और एक इसके बीच की बैलेंस्ड कंडीशंस होती है, जहां पर जो कंज्यूमर होता है बेसिकली बैलेंस्ड मूड पर, बैलेंस्ड जो मूड होता है उस पर रिस्पॉन्स करता है, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो जाती है बेसिकली वन हो जाएगी, ठीक है, वन हो जाएगी। और इस वाले कंडीशन में ये हो जाएगी बैलेंस मूड, बैलेंस मूड और जीरो के बीच में जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, और वन और इन्फाइनाइट के बीच की जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम कहते हैं price elasticity of demand is greater than one, ठीक है। तो यहाँ पर जब consumer ने किसी भी प्रकार से कोई response नहीं किया, fluctuate नहीं किया अपनी quantity demand rate, तो यहाँ पे price elasticity of demand है zero, जिसको हम बोलते हैं perfectly inelastic demand, ठीक है। और जब consumer response करता है तो हमें पता नहीं है कि वो consumer कितना response करेगा, तो उस condition में perfectly elastic demand हो जाएगी, और वहाँ पर elasticity of demand क्या हो जाएगी, infinite। और एक extreme condition होती है, balanced mood होता है, जहाँ पर consumer क्या होता है, balanced mood में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन हो जाएगी। तो ये बैलेंस मूड वाली सिचुएशन है, ठीक है। और बैलेंस मूड और जीरो के बीच में जो रिस्पॉन्सिवनेस आएगा उसको बोलते हैं लेस देन वन, और वन और इनफाइनाइट के बीच की होती है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन वन। तो ये फाइव जो इलास्टिसिटीज की जो डिग्रीज है, इसको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर टैप कीजिए, ताकि आपको मिलती रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ऑल द बेस्ट।